हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि निर्मल भंगू के घर के आगे महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने 4 दिन से इस वक्त भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आज उनको 4th दिन है। तो आज हमारे पास जो अखबार के माध्यम से रिपोर्ट आई है वो ये है कि भूख हड़ताल के दौरान उनकी बिगड़ी हालत। जहाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ जो आपके लिए लेकर आए दोस्तों, ये पंजाब स्थित मानसा से है और मानसा के उस जगह से है जहाँ पर निर्मल भंगू के परिवार का घर है और निर्मल भंगू के रिश्तेदारों का घर है। जैसे कि आप जानते हैं कि निर्मल भंगू के रिश्तेदारों ने इस वक्त पल्स की प्रॉपर्टी को उर्द खुर्द बेचने पर उतार हुआ है, और जिससे वहाँ के प्रशासन और नेताओं की कुछ मिलीभगत के कारण दोस्तों वहाँ पर ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेची जा रही है। तो दोस्तों, उस पर्पस में महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने इनको पहले भी पुलिस विभाग का अवगत कराया था कि ये गलत तरीके से 600 एकड़ ज़मीन बेच दी गई है, और आपको मैंने अवगत कराया था। तो इसी तरीके की बहुत प्रॉपर्टी वहाँ पर उर्द खुर्द कर कर बिक रही है। तो उसको लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ा मोर्चा इस वक्त महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने खोला हुआ है। तो वहाँ पर दोस्तों आज उनका 4th दिन है और उनकी तबीयत ख़राब होने की जो खबर हमारे पास आई है, तो आइए दोस्तों क्या खबर आई है आपके साथ शेयर करते हैं। मानसा चिटफंड कंपनी पल्स के मालिक निर्मल भंगू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इंसाफ की आवाज़ संस्था पदाधिकारियों पल कंपनी के ग्रुप निवेशकों अधि अनिश्चितकालीन का धरना भूख हड़ताल का 4th दिन जारी है। वीरवार को धरना पर बैठे नेता दामगढ़ की सेहत खराब हो गई, जिस पर उनका उपचार कराया गया। इस मौके पर इंसाफ की आवाज़ के सूबा प्रधान गुरजेश सिंह ने कहा कि तबीयत बिगड़ने पर दामगढ़ जी की देख रेख के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि पल्स कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिसंबर को मानसा में रोष रैली निकाली थी। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर वीरवार को लगाए गए धरने में आसुल मंच पंजाब के नेता गुरजिंदर सिंह, CPIML लिबरेशन के सूबा प्रधान राजविंदर सिंह, लोकतांत्रिक किसान तथा ब्लॉक प्रधान जरनैल सिंह मौजूद थे। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको स्टे न्यूज चैनल से दी जा रही है, और आगे जो भी खबर वहाँ से आएगी दोस्तों हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि इस वक्त प्रशासन और राजनीतिक षड्यंत्र इस वक्त कंपनियों को बिकवाने पर उतारू है। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा दोस्तों, ये बड़ी इस वक्त विडम्बना निवेशकों के सामने, और उसके लिए जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असली मकसद यही है कि सभी निवेशकों को पैसा मिल सके। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर से आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक